योगी को रोक पाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इधर कोर्ट ने लगाई योगी के बुलडोजर पर रोक, उधर फिरोजाबाद में योगी की पुलिस ने चला दिया ऑपरेशन लंगड़ा। योगी की पुलिस ने आधी रात नबी अब्दुल्ला का कर दिया एनकाउंटर। जैसे ही कोर्ट ने बुलडोजर पर लगाई रोक, खुशी मनाने लगे अखिलेश यादव तो नाचने लगे थे देश के मुसलमान। फिर योगी ने लिया ऐसा नया एक्शन, कांप गए अपराधी। जी, बुलडोजर के एक्शन पर रोक लग गई तो क्या हुआ, पुलिस का इकबाल बुलंद है, पुलिस की बंदूक बुलंद है। जो भी अपराधी योगी के राज में कुछ भी गड़बड़ करेगा तो या तो उसको लंगड़ा कर दिया जाएगा या फिर दुनिया से टाटा बाय बाय कर दिया जाएगा। दरअसल फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के गांव नौशहरा में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले में मुख्य आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्य आरोपी के दोनों बेटे अभी फरार चल रहे हैं और पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस ने उसके पास से अवैध असलाह बरामद किया है। आरोपी शहर के बाहर भागने की फिराक में था, घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर फायर कर दिया। अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हुई थी जबकि 11 लोग घायल हुए हैं। थाना शिकोहाबाद के गांव नौशहरा में सोमवार की रात अवैध पटाखे के भंडारण के कारण विस्फोट में 5 लोगों की जान चली गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में मुख्य आरोपी सहित 3 लोग नामजद थे। मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही घंटे बाद पुलिस टीम आरोपी की तलाश में भूड़ा नहर पुल के पास पहुंची। आरोपी घेराबंदी की गई, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसके बाद आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई। उसके पास से अवैध असलाह बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम नौशहरा निवासी भूरा उर्फ नबी अब्दुल्ला बताया। पुलिस टीम अब अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस टीम में सीओ शिकोहाबाद प्रवीण कुमार तिवारी, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शामिल रहे। एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पिता और उसके दो बेटे ताज और राजा समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। यानी कि एक साफ संदेश है, भले ही योगी के बुलडोजर पर रोक लगा दी जाए, कोई भले ही बुलडोजर पर जंजीरें बांधे, उसके पैरों को थाम दे, लेकिन यूपी पुलिस के पास कानून व्यवस्था को बनाए रखने के और भी कई तरीके हैं। जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध करेगा, जरूरी नहीं कि उसके घर पर बुलडोजर चलाकर ही उसे सबक सिखाया जाए। पुलिस के पास उसे सबक सिखाने के, उसको बिल में घुसाने के, उसको जेल में भेजने के 100 तरीके हैं। उन्हीं में से एक तरीका है ऑपरेशन लंगड़ा। आने वाले समय में कोई भी अपराधी जिसका अवैध निर्माण है और वो ये सोच रहा है कि बस सुप्रीम कोर्ट ने उसे बचा लिया है, वो कुछ भी करेगा उसका अवैध निर्माण नहीं ढाया जाएगा, तो बस वो ये गलती कर रहा है। क्योंकि भले ही उसका अवैध निर्माण न ढाया जाए, लेकिन उसको लंगड़ा जरूर कर दिया जाएगा। ऐसे में दूसरे तरीके से सबक सिखाकर उसको ये बता दिया जाएगा कि अभी भी उत्तर प्रदेश में कानून का इकबाल बुलंद है, और कोई भी अपराधी बहुत ज्यादा उड़ेगा तो उसे पूरी तरीके से उड़ा दिया जाएगा। अब उड़ाने का मतलब क्या है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। खैर, आपसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में इस वक्त अपराधी समझते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस का उड़ाने का मतलब क्या है, योगी के उड़ाने का मतलब क्या है।